हरतालिका तीज था, अब व्रत हो चुका है। तो मैंने 24 घंटे का अपना व्रत खत्म कर लिया है। अब आज हम जो है जा रहे हैं व्रत खोलने के लिए, तैयारी करने। उसके लिए हम हलवा बना रहे हैं सूजी और बेसन से। पहले ठाकुर जी का भोग लगाएंगे और उसके बाद हम पारण करेंगे। तो भोग लगाने के लिए ये हलवा बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने देसी घी लिया है। ये देसी घी हमारा मेल्ट हो गया। अब हम इसमें डालेंगे सूजी। इसमें घी थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि घी में कंजूसी नहीं करना है। देसी घी से ही हलवा में फ्लेवर और टेस्ट आता है। तो ये हमने सूजी डाल दी है। सूजी भून लेंगे अच्छे से। सूजी हमारा भून रहा है। इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच बेसन। ये 2 चम्मच बेसन है, 2 बड़ा चम्मच है। इसको भी डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। सूजी में बेसन डालने से बहुत अच्छा टेक्सचर आता है हलवे का, और स्वाद भी एकदम मिठाई जैसी लगती है। चीनी है, चीनी को डाल लेंगे इसमें। अपने जितना मीठा आपको खाना हो उतना ही चीनी डालेंगे। कोई मीठा ज़्यादा खाता है, कोई कम, तो अपने स्वाद अनुसार चीनी डालेंगे। और इसमें कटे हुए नट्स हैं, इसको डालेंगे। ड्राई फ्रूट है, बादाम है, किशमिश है, काजू है, ये मैं डाल देती हूँ इसमें। छोटी इलायची है, इसको दरदरा कूट लिए हैं, इसको डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इलायची की। और ये देखिए कितनी अच्छी मेरी हलवा बन के तैयार है। व्रत के बाद हम मीठे से ही व्रत तोड़ खोलते हैं, पारण मीठे से करते हैं। तो उसके लिए पहले भोग लगाते हैं ठाकुर जी की, उसके बाद व्रत खोलते हैं। कि मेरा प्रसाद बन के तैयार है। अब गैस बंद कर देंगे। हलवा का टेक्सचर कितना अच्छा आया है, बेसन और सूजी से हलवा बहुत ही अच्छा बना है। वैसे तो हलवा हम हर कई तरह के बनाते हैं। सिर्फ बेसन का भी बनता है, आटे का भी बनता है, सूजी और बेसन मिक्स करके भी बनता है। लेकिन आज हमने सूजी और बेसन से बनाए हैं, तो खिला खिला बहुत बढ़िया बना है बेसन और सूजी का हलवा। चलिए अब बंद कर देते हैं। गैस बंद कर दिया हमने, और अब इसको थाली में निकाल लेते हैं। हलवा को मैं थाली में निकाल लूँगी। ये मेरा हलवा तैयार, हमारा प्रसाद तैयार है। अब हम चलते हैं ठाकुर जी को भोग लगाने। इस पे हम थोड़ा सा नारियल डाल दें हलवे पे।